सबसे पहले मैं आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इसी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हमने आप सभी की विशेष मांग पर, हालांकि आप लगातार जब हम व्हाइट बोर्ड पर आपके बीच में क्लासें ले रहे थे तो आपके आपके समक्ष ये समस्याएं बन रही थी कि भैया कुछ चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। ये सारी चीजें आप मेरे पास मैसेज कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो चीजें दिमाग में चल रही थी कि आपके हर एक डिमांड को पूरा किया जाए। तो फाइनली आज आप सभी की दुआ आशीर्वाद से मैंने डिजिटल बोर्ड ले लिया है। और यहाँ कुछ लोगों के डाउट्स हैं, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि भैया आखिरकार डिजिटल बोर्ड तो आपने ले लिया लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस है आपने साझा नहीं किया है। तो बिल्कुल देख सकते हैं आज का यह जो वीडियो जा रहा है आप सभी के बीच में, डिजिटल बोर्ड के एक्सपीरियंस को हम आपके बीच में साझा करने का प्रयास कर रहे हैं कि मैंने डिजिटल बोर्ड कहाँ से लिया है, कैसे क्या कुछ मैंने किया है, सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि अब तो ये पूछने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी कि अब आपको सारी चीजें दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ठीक है? और मैं आपसे ये जानना जरूर चाहूंगा, अब हालांकि प्रथम सेमेस्टर, अगर आप डीएलएड के स्टूडेंट हैं तो आपका प्रथम सेमेस्टर फाइनली बीत ही गया है, सेकंड सेमेस्टर की क्लासें बहुत जल्द हम आपके बीच में प्रोवाइड करने वाले हैं। बिल्कुल एक नई शुरुआत होगी जिसमें नया जुनून होगा, नया जज्बा होगा, सारी चीजें नई होंगी, ठीक है? तो वो सारी चीजें, हालांकि आगे हम आपको जैसा भी होगा एक एक चीजों पर हम चर्चा करते रहेंगे, बट आज का जो हमारा वीडियो है, सबसे पहले यहां देख सकते हैं डिजिटल बोर्ड का अनुभव। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने डिजिटल बोर्ड जो लिया है, फाइनली बात किया जाए तो स्मार्ट इन्फो विजन एक ऑफिस है भाई। अगर आप, बहुत सारे लोग होंगे जो हमारे बीच में, कुछ यूट्यूबर जो है लोग भी देख रहे होंगे मुझे, ठीक है? अगर आप यूट्यूबर हैं तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करिएगा, और अगर इसके बारे में और भी विस्तृत नॉलेज आपको चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ आप जानना जरूर चाहेंगे कि आपने कहाँ से कैसे लिया। देखिए स्मार्ट इन्फो विजन जो है, आप सर्च करेंगे गूगल पर जाकर, यूट्यूब पर जाकर, कहीं भी आप जाकर सर्च करेंगे तो वो सारी चीजें आपको दिखेंगी। तो मैंने डिजिटल बोर्ड जो फाइनली लिया है, स्मार्ट इन्फो विजन जो है एक कंपनी है, कंपनी क्या, एक जो है ऑफिस कहा जाए, जो कि इनके तमाम ब्रांचेस जो है तमाम शहरों में फैले हुए हैं। आपके सबसे नजदीक हम बात करें तो लखनऊ में भी है, और फाइनली अगर देखा जाए तो ग्रेटर नोएडा में भी कह सकते हैं, ठीक है? ऐसे पटना भी आपका हो गया, ठीक है? ये सारी जगहों पर आपके जो डिजिटल बोर्ड हैं इनके द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फाइनली स्टूडियो सेटअप भी सारी चीजें होती हैं, और इनकी जो हम प्रतिपुष्टि की अगर बात करें तो इनका जो अनुभव रहा, खासकर हम अपने अनुभव की बात करें, और लोगों का तो हम नहीं बता सकते, लेकिन मैंने जब से इनके संपर्क में आया है, फाइनली अगर कोई भी समस्याएं हमें हो रही थी तो इनके द्वारा तुरंत हमें अवगत कराया जा रहा था। आज सुबह की अगर हम बात करें तो थोड़ी बहुत समस्याएं मुझे हुई, तो वहां उनके जो भी उनका टीम है, जो भी सदस्य हैं, उनके द्वारा मेरी समस्याओं को सुना गया, और फाइनली जो है उन्होंने सारी समस्याओं का निदान भी किया है, ठीक है? तो अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं, आप जानना जरूर चाहेंगे कि ये आपका पैनल कितने का पड़ा है, क्या है, कैसे है, तो सबसे पहले हमें लगता है कि नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा, ये जो हमारा पैनल है वो बेंचमार्क का है, ठीक है? 75 इंचेस ये पूरा पैनल हमारा है, बाकी और भी छोटे इससे बड़े भी पैनल आते हैं भाई, जिनकी जैसे जो होता है वो अपना परचेज करते हैं, ठीक है? तो ये सब सारी चीजें हैं। बाकी मैं आपसे इतना जरूर जानना, आप प्राइस के बारे में जानना जरूर चाहेंगे कि इसकी प्राइस क्या, कैसे है, कितने को पड़ा है, तो इसके लिए आप और भी अधिकतम जानकारी के लिए आप मेरे पास मैसेज करिएगा, ठीक है? जो कि नंबर संभवतः आप सभी ने देखा भी होगा, आपके पास होगा भी, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर दे दूंगा, आप जो है संपर्क कर सकते हैं। नंबर यहाँ पे देख लीजिए, हम लिख दे रहे हैं, देख लीजिए, 94 52 33 10 53, ये नंबर आपके बीच में है। अगर आप लेना जो है नंबर जो है जरूर पड़ती है तो बिल्कुल जो है, अच्छा यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ जो है ध्यान दीजिएगा, ये आपका
थोड़ा सा अभी देखिए एक चीज इसमें समस्याएं होती हैं, अगर हम बताएं तो थोड़ा सा नया नया पैनल है, तो मैंने आपको बताया भाई कोई चीजें जब नई नवेली होती हैं तो थोड़ा सा उनको समझना पड़ता है। अभी ये नया पैनल है, इसके बारे में थोड़ा सा जो टेक्निकली नॉलेज अगर कहा जाए तो थोड़ा सा, अगर आप भी जब भी ये नया पैनल लेंगे या आप नया नया फोन भी जब लेते हैं तो थोड़ा सा उसके फीचर को समझना होता है। तो अभी ये भी हमारे लिए नया ही है, थोड़ा सा हमको भी समझने की जरूरत होगी, 2 4 दिन 10 दिन तो थोड़ी बहुत समस्याएं तो सबके पास होती हैं। तो धीरे धीरे जब इस पर लगातार आपकी क्लासें होंगी या और भी चीजें चलती रहेंगी तो वो सारी चीजें मैनेज खुद ब खुद हो जाएंगी। और एक चीज अगर हम बात करें, आप ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आप जब जब भी फोन खरीदने जाते होंगे तो आप इतना जरूर देखते होंगे कि इसमें जो हमारे फोन में रैम क्या है, रोम क्या होता है, ठीक है? तो ये सब रैम रोम के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि भैया इस पैनल में जो इंटरनल और एक्सटर्नल आपकी मेमोरी होती है, यानी रोम रैम होता है, अगर हम आपसे बात करें तो इसमें जो 8 GB हमारा लगा हुआ है, बात करें हम तो 8 GB जो हमारा है वो आपका रोम है, ठीक है? रोम आपका है। अगर हम रैम की बात करें, रैम की बात करें तो आपकी 128 GB जो है वो रैम है, ठीक है? अब 8 GB रैम, हालांकि अगर देखा जाए तो काफी बेस्ट क्वालिटी माना जाता है, 8/128, भाई आपने फोन भी यूज किया होगा, ठीक है? और जो है रैम रोम के बारे में आपने जान ही लिया, बट आप प्राइस को जरूर जानना चाहेंगे, तो प्राइस हम यहाँ नहीं बताएंगे क्योंकि ये एक पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर थोड़ा सा ये चीजें हम शेयर नहीं कर सकते। भाई आप अगर जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप संपर्क करिएगा, मैंने नंबर आपके बीच में दे रखा है, 94 52 33 53, ठीक है? बाकी एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके साथ साथ आपको कैमरे की भी जरूरत पड़ती है, लाइटिंग सेटअप की जरूरत पड़ती है, ये सब सारी चीजें आप अपनी जरूरतों के अनुसार कर सकते हैं। जैसे बहुत लोगों के पास थोड़ी सी जो है इनकम की कमियां होती हैं, लोग जो है सोचते हैं कि अगर हम ये डिजिटल बोर्ड लेंगे तो हमें कैमरे की जरूरत पड़ेगी या स्टूडियो सेटअप की जरूरत पड़ेगी, आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपके पास सिर्फ इतने भर का पेमेंट है तो आप इसे ही लीजिए, कैमरे का पेमेंट है तो आप कैमरा भी ले सकते हैं, जितनी जितना आप पैर फैलाएंगे उतना, जैसे लोग कहते नहीं है कि चादर जितना बड़ा हो उतना ही पैर फैलाए जाए, तो वही चीजें सेम यहाँ भी हैं कि आप अगर सिर्फ इसको लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं, कैमरा लेना चाहे जितना आप पेमेंट देंगे उनको वो उसी हिसाब से आपका मैनेज करेंगे, ठीक है? तो फाइनली आप सभी की दुआ और आशीर्वाद से आज डिजिटल पैनल का आगमन हो चुका है, अब एक नई शुरुआत आप सभी के बीच में हो कि बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ मैं भी आपके लिए अपना 100% देने का प्रयास करूंगा, और मैं आपसे उम्मीद भी करूंगा कि आप अपना अगर मेरे साथ 100% देते हैं तो मैं चैलेंज करूंगा कि आप कभी भी, चाहे आपका प्रथम सेमेस्टर होगा या आपका सेकंड सेमेस्टर, कोई भी सेमेस्टर होगा, मैं खासकर डीएलएड की ही बात अभी कर रहा हूं क्योंकि यहां से डीएलएड की क्लासें ही संचालित मैं करूंगा, बाकी आपके लिए जो है न्यूज वगैरह हर प्रकार के, चाहे वो यूपी पुलिस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, किसी तरह की न्यूज अगर हो तो आपके लिए मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है? तो अगर आप न्यूज के लिए जुड़ते हैं तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं, आप डीएलएड कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है? तो बहरहाल ये मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा आप मुझे जरूर शेयर करिएगा, बाकी आपके अगर कोई डाउट्स होते हैं तो आप अपने डाउट्स को कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक? तो इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।